नमस्ते, मेरा नाम श्री अविनाश अज्ञा है। मैं केंद्रीय विद्यालय नौगांव कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। आज मैं 100 दिवसीय पठन अभियान के अंतर्गत आपके सामने एक कहानी बोलूँगा। कहानी का नाम है हाथी और खरगोश। एक जंगल में एक हाथी था, उसका नाम नंदू था। उसी जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश था, उसका नाम चिंटू था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे दोनों कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि चारों ओर हरी हरी घास खिली हुई है और पेड़ों पर कोमल कोमल पत्तियां आई हुई है। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। जब वो दोनों विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें विश्राम करने का मन नहीं किया। दोनों ने बोला, चलो हम कोई सा भी खेल खेलते हैं। तो दोनों खेल खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पुराने खेल नहीं खेलना था, नए खेल खेलना था। तब नंदू ने बोला, चलो हम ऐसा खेल खेलते हैं, पहले मैं बैठ जाऊंगा, तुम मेरे ऊपर से कूद जाना, उसके बाद तुम बैठ जाना, मैं तुम्हारे ऊपर से कूद जाऊंगा। चिंटू ये बात सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि हाथी के पैर तो बहुत बड़े बड़े हैं। अगर उसका पैर अगर मेरे ऊपर गिर गया तो मेरी तो चटनी निकल जाएगी। लेकिन उसका मित्र था, इसीलिए उसने मना नहीं किया। जब खेल शुरू हो गया, पहले हाथी बैठ गया, खरगोश उसके ऊपर से बिना स्पर्श किए चला गया। अभी खरगोश हाथी की बारी तो बाकी थी, खरगोश बैठ गया। हाथी दौड़ता हुआ आया, दौड़ने की वजह से पास में जो नारियल के पेड़ है वो हिलने लग गए। उसके बाद उन पेड़ों से दो नारियल उनके पास ही गिर गए और दोनों ने अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। लेकिन हाथी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन खरगोश भागते हुए सोच रहा था, मेरे मित्र हाथी से अच्छा तो यह नारियल है, मेरे पास ही गिरा लेकिन मेरे ऊपर नहीं गिरा। अगर मेरा मित्र मेरे ऊपर गिर जाता, मेरा तो चटनी ही निकल जाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबको सच्चा मित्र बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा खेल कभी नहीं खेलना चाहिए जिससे हमें। नमस्ते, मेरा नाम है तमन्ना भूमिक। मैं केंद्रीय विद्यालय नौगांव की कक्षा 2 की छात्रा हूँ। 100 दिवसीय पठान कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे सहपाठी अभिनाश ने जो कहानी सुनाई है, कहानी का शीर्षक है हाथी और खरगोश। मैंने जो शीर्षक दिया है, शीर्षक है मजेदार दोस्त। और मेरे सहपाठी अनुमिता ने जो शीर्षक दिया है वो है दो दोस्त। मेरे और एक सहपाठी दर्शना ने जो शीर्षक दिया है वो है सच्चा दोस्त। मेरी मम्मी के हिसाब से कहानी का शीर्षक दो दोस्त की कहानी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इन सभी में से मेरी मजेदार दोस्त उपयुक्त है। धन्यवाद। मेरे सहपाठी द्वारा सुनाई गई कहानी का शीर्षक था खरगोश और हाथी। मेरे हिसाब से इस कहानी का शीर्षक है एक अनोखा खेल, क्योंकि इस कहानी में एक नया खेल के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।